आज के टाइम पे किसी भी बिज़नेस को शुरुआत करने से पहले हमारे मन में कुछ सवाल ज़रूर आता है जैसे कि कौन सा बिजनेस हमें शुरुआत करना चाहिए और उस बिज़नेस के अंदर आने वाले दिनों में क्या क्या स्कोप है यानी कितना ग्रोथ हमें मिलेंगे और दूसरा कितना इन्वेस्टमेंट के साथ उस बिज़नेस को शुरुआत करना चाहिए और उसमें कितना हमें प्रॉफिट मिलेंगे यानी किसी भी बिज़नेस को शुरुआत करने से पहले हम प्रॉफिट के ऊपर ज़रूर ध्यान रखते हैं तो ऐसा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं और वह है सॉफ्ट टॉयस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देखिए सॉफ्ट टच मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में एक कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा आप वीडियो के अंत तक बने रहिए परंतु अभी हम समझते हैं सॉफ्ट टच मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों है देखिए सबसे पहले टच को इस्तेमाल कौन करते हैं छोटे बच्चे या फिर जो टीन एज के होते हैं ये लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और आज भारतवर्ष के अंदर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है यानी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है परंतु प्रोडक्शन हम उतना नहीं कर पा रहे हैं और जिसके चलते चाइना जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्टवयर्स मैनुफैक्चरिंग कर रहा है और भारत चाइना से सॉफ्ट सॉफ्टवयर्स को ख़रीद रहा है परंतु सरकार ने चाइनीज़ सॉफ्टअर्यर्स के ऊपर बैन लगा दिया क्योंकि चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स जो है ये बहुत ही घटिया किस्म का होता है और बहुत ही लो क्वालिटी का होता है और इसका जो प्रोडक्ट है हमारे जो बच्चे हैं उनको हार्म होने का या फिर इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता था जिसके चलते सरकार ने भारत के अंदर सॉफ्टवयर्स को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए हैं और जिसके चलते देखिए आज भारतवर्ष के अंदर सॉफ्टवयर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1.5 बिलियन इसका मार्केट शेयर बन गया है और आगे चल के दो हज़ार तक आप देखेंगे ये डबल होने वाला है यानी स्कोप तो बहुत ज़्यादा है और ये राइट टाइम भी है इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए अगर आप भी सोच रहे हैं इस बिज़नेस को चालू करने के लिए तो फिर इस बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी रॉ मटेरियल मशीनरी और इस बिज़नेस को अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो फिर आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना प्रॉफिट आपको मिलेंगे और जब आप प्रोडक्ट को बना लेंगे उसको आप बेचें कहाँ पे इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे करें एक कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ नमस्कार मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टांट सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगी अब देखिए सॉफ्ट वर्च मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कौन सा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी फोर क्लॉथ ये फोर क्लॉथ ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है एक होता है प्लेन एक होता है सॉफ्ट एक होता है सुपर सॉफ्ट ये जो है ये प्लेन फोर क्लॉथ होता है और ये जो है ये देखिए ये सॉफ्ट फोर क्लॉथ होता है और ये जो है ये सुपर सॉफ्ट है यानी ये जो ऊपर का लेयर है इसको कहते हैं फोर क्लॉथ और ये आपको मीटर के हिसाब से बाजार में मिल जाएंगे और एक मीटर आपको सौ रुपया से लेकर आठ सौ रुपया बाज़ार में अवेलेबल है डिपेंड ऑन क्वालिटी आप जैसे क्वालिटी में खरीदेंगे उसका प्राइस उस हिसाब से लगेंगे अब देखिए दूसरा जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी वह है स्टेपल फाइबर यानी इसके अंदर ये जो आइटम है इसको कहते हैं स्टेप्पल फाइबर देखिए ये बिल्कुल रुई की तरह है परंतु इसका क्या बेनिफिट है देखिए ये जो आइटम है ना ये ज़्यादातर छोटे बच्चे लोग लेके खेलते हैं और चांसेस रहता है कि इसके ऊपर पानी गिर जाए और अगर इसके अंदर रुई होगा तो फिर ये दब जाएगा और स्मेल भी करेगा परंतु इसके अंदर स्टेपल फाइबर होने से ना ही ये दबेगा ना ही स्मेल करेगा बल्कि इसको आप वॉश भी कर सकते हैं इसके अलावा ये जो स्टेपल फाइबर है ये आप किलो के हिसाब से बाजार में ख़रीद सकते हैं एक किलो आपको 60 टू 70 रुपीज़ आएगा जो कि आप इंडिया मार्ट में जाके आसानी से खरीद सकते हैं इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी आई और नोच ये आप बॉक्सेस के हिसाब से ख़रीद सकते हैं एक बॉक्स आपको सेवेंटी टू एटी रुपीज़ चाहिएगा जो कि आप अमेजन या फिर इंडिया मार्ट में जाके खरीद सकते हैं इसके बाद देखिए आपको ज़रूरत होगी रिबन। ये जो पट्टी है ना ये आपको खरीदना होगा ये डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में अवेलेबल है आप जैसा क्वालिटी देना चाहते हैं जैसा आप डिज़ाइन देना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी कलरफुल थ्रेड्स की अब देखिए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको कौन सा मशीनरी की जरूरत होगी सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी लेयर कटिंग मशीन की परंतु अगर आप इस बिजनेस को एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो फिर आप सीजर से भी काम चला सकते हैं यानी आपको बाज़ार में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन और साइज भी मिलेंगे और आपको जैसा काटना है आप काट सकते हैं और काटने के बाद फिर आपको जोड़ना होता है यानी स्टिचिंग करना होता है और ये आप जब डिजाइन को खरीदेंगे उसके साथ आपको कंप्लीट डिटेल में बताया जाता है कि कैसे काटना है और कैसे जोड़ना है परंतु अगर आप इस बिज़नेस को एक बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो फिर आपको लेयर कटिंग मशीन की जरूरत होगी क्योंकि आप इस काम को मैनुअली करना अगर आप बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो फिर मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है तो आपको ये मशीन की जरूरत होगी और ये मशीन में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है ये जो फोर क्लॉथ है ये फोर क्लॉथ आपको मीटर में मिलेंगे इसको आपको मशीन में सेट करना है कौन सा डिज़ाइन और कौन सा साइज आपको चाहिए आपको सेट करना है बाकी का जो काम है ये मशीन ऑटोमेटिक करके आपको दे देगा देखिए ये मशीन जो है इसमें आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेंगे और आपको काम करना बहुत आसान होगा अब ये मशीन आप ख़रीदे कहाँ से आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं जिसका प्राइस पंद्रह बीस हजार से लेकर करीब करीब दस लाख तक है डिपेंड ऑन आप एक दिन में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके ऊपर इसका प्राइसिंग है अब देखिए इसके बाद आपको जरूरत होगी स्टिचिंग मशीन की, की। क्योंकि जो फोर क्लॉथ है इसको काटने के बाद आपको उल्टा करके सिलाई करना होता है और ये सिलाई करने के लिए आपको एक स्टिचिंग मशीन की जरूरत होगी इसके बाद देखिए आपको ज़रूरत होगी इसके अंदर ये स्टेपल फाइबर को डालने के लिए सॉफ्ट टॉयस फिलिंग मशीन की ज़रूरत होगी परंतु अगर आप इस बिजनेस को एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो फिर आप इसको मैनुअली कर सकते हैं परंतु बड़े स्तर पर आपको सॉफ्ट टॉयस फिलिंग मशीन की ज़रूरत होगी जिसको टॉय स्टफिंग मशीन भी कहते हैं और ये मशीन आप खरीदें कहाँ से ये आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं और जिसका प्राइस एक लाख से डेढ़ लाख के बीच में आता है इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी सिजर नीडिल और एक मेजरिंग टैप और एक मार्कर की जरूरत होगी अब देखिए ये सॉफ्ट टच बनाने का काम बहुत ही आसान है देखिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी फोर क्लोथ ये जो ऊपर का लेयर है ये फोर फोरक्लॉथ कहते हैं ये आपको ज़रूरत होगी ये बाजार में बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे ये मीटर के हिसाब से आप इसको ख़रीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद आप इसको जैसा डिजाइन जैसा साइज़ चाहिए आप काट लीजिए और काटने के बाद इसको उल्टा करके आपको स्टिच करना होगा सिलाई करना होगा और सिलाई करने के बाद आप इसके अंदर ये जो है ना स्टेपल फाइबर इसको आपको फिल करना होगा यानी मैनुअली अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसके अंदर फिल करके फिर आप इसको स्टिच कर दीजिए फाइनल स्टिच और स्टिच करने के बाद अगर आप इसमें आँख नाक और रिबन डालना चाहते हैं इसको आप डाल दीजिए और डालने के बाद फाइनली आपको पिक करना होगा तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है बहुत आसान तरीके से आप सॉफ्टॉइस को बना सकते हैं अब देखिए सॉफ्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी देखिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी ट्रेड लाइसेंस जो कि आप अपना लोकल म्यूनसिपाल्टी अथॉरिटी से निकाल सकते हैं इसके अलावा देखिए सरकार के द्वारा ना समय समय पर छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च होते रहता है अगर इसका भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी जीएसटी और पैन कार्ड और देखिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करना होगा इसका बहुत बेनिफिट है क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट का एक पहचान दे सकते हैं आप एक ब्रांड भी बना सकते हैं और इसके अलावा अगर आप बिजनेस को बड़े लेवल पे कर रहे हैं हैं आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको बीआईएस रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे अब देखिए इस बिजनेस में आपका टारगेट कस्टमर कौन होंगे यानी आपने प्रोडक्ट तो बना लिया अब आप इसको बेचे कहां पर देखिए इसका टारगेट कस्टमर है छोटे बच्चे यानी जो टीन के होते हैं या फिर आप प्ले स्कूल को टारगेट कर सकते हैं या फिर जो गिफ्ट स्टोर होता है उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा प्रोडक्ट होता है कार्टून कैरेक्टर एनिमल डॉल प्लेसेट या फिर टेडी बियर जो कि आज के टाइम पे बहुत फेमस है या फिर सॉफ्ट बॉल ये भी आजकल बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं तो नॉर्मली सॉफ्टॉइस के अंदर ये सारे प्रोडक्ट होता है अब देखिए सॉफ्टअयस मैनुफैक्चरिंग बिजनेस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना आपको मुनाफा मिलेंगे देखिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी स्पेस की और स्पेस के लिए आप अगर छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो आपको 500 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी अगर आप बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो फिर आपको 1000 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी इसके अलावा देखिए आपको ज़रूरत होगी रॉ मटेरियल्स मशीनरी और आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी और आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग भी करनी होगी यानी ओवरऑल अगर देखा जाए एक छोटे स्तर पर बिज़नेस को चालू करने के लिए आपको दो से तीन लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा और प्रॉफिट की अगर हम बात करें एक अच्छा क्वालिटी का सॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको सौ से डेढ़ रुपया खर्चा होगा और आप इसको बाज़ार में आसानी से 300 या साढ़े तीन में बेच सकते हैं यानी नेट प्रॉफ़िट की अगर हम बात करें तो आप कम से कम 15 से 20 परसेंट कमा सकते हैं अब देखिए सॉफ्टवर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे करें देखिए ये बहुत आसान है क्योंकि आज के टाइम सॉफ्ट सॉफ़्टस को कौन इस्तेमाल करते हैं छोटे बच्चे या फिर टीन के और ये लोग आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे सोशल मीडिया में यानी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मिलेंगे तो आपको करना क्या है आपको हर दिन फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करना है जो भी आप नए नए सॉफ्टवेयरस को ऐड कर रहे हैं उसको आप अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग तक तो पहुँच पाएंगे इसके अलावा ब्रांडिंग के लिए देखिए आप फेसबुक में अपना पेज बनाइए जिससे लोग आपको फॉलो करेंगे और इसके अलावा आप यूट्यूब का एक चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे अब देखिए सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आप इस बिजनेस को एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं और मैनुअली कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना होगा आप ऐसा एक बंदे को हायर करें जो कि स्किल्ड पर्सन हो जिनको प्रीवियस एक्सपीरियंस्ड हो यानी उनको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में काटना या फिर उसको जोड़ना सिलाई करना वो सारे काम आता हो आप ऐसे एक बंदे को हायर करें जिससे क्या होगा आपका क्वालिटी भी मेंटेन होगा और आप अपना प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भी बढ़ा पाएंगे तो ये तो था कंप्लीट डिटेल सॉफ्टवेयर मैनुफैक्चरिंग बिजनेस को आप कैसे चालू करें अगर इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हां अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए और आगे चल के आपको कौन सा बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद